गर्म नहीं है कोई बात नहीं, बीटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम बनाएंगे मजेदार सी आइसिंग पेस्ट्री बिल्कुल मार्केट जैसी, और वो भी बनाएंगे ग्राइंड जग में और उसको बेक करेंगे पतीले में। तो चलिए फिर टाइम जाया किया बिना यहाँ जल्दी से यम यम सी बनाते हैं आइसिंग पेस्ट्री बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। बिल्कुल नॉर्मल वाला ग्राइंडर जग लिया हुआ है जो कि हर घर में मौजूद है, जिसमें हम प्याज और अदरक लहसुन वगैरह ग्राइंड करते हैं, बस वही है, बस इसकी महक आपको निकाल देनी है। वो लिया हुआ है एक प्याली पाउडर शुगर, नॉर्मल रेगुलर शुगर एक प्याली लेनी है, उसको मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया, ग्राइंड कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे एक प्याली चीनी, सॉरी कुकिंग ऑयल, देखिए इसी प्याली की मेजरमेंट से मैंने एक प्याली चीनी ली है जिसको मैंने ग्राइंड करके पाउडर कर लिया था, और एक प्याली कुकिंग ऑयल, बस इसी कप की मेजरमेंट से आपका केक कभी भी खराब नहीं होगा। केक इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं शुगर में। अब मैं इन दोनों चीज़ों को करूँगी एक से दो मिनट ग्राइंड। मैंने इसको ग्राइंड किया है यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 5 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं, फ्रिज के ये नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, नहीं तो हमारा केक जो है ना वो बेक नहीं होगा, फ्लफी नहीं होगा। 5 अंडे इसको मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ, सारे एक इकट्ठे ऐड करके मैं ग्राइंड कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से यार ये केक बन जाता है, एक बार ट्राई तो करें। ऐड कर देते हैं साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी वनीला एसेंस, इससे इतनी मजेदार फ्रेग्रेंस हमारे केक में आएगी ना कि क्या ही बात है। 1 टीस्पून डाल दिया। अब इन चीजों को मैं यहाँ पे थोड़ी देर ग्राइंड करूंगी, इतनी देर के तमाम चीजें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, एग जो है वो फ्लफी हो जाए। मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट जो है बंद करती रही, ऑन करती रही, इस तरीके से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इसका बैटर इस तरीके से यहाँ पे सेटल हो गया है। अभी इसको बस थोड़ी देर साइड पे रखने, एक काम है जिसको यहाँ पे चुटकी बजा के बस जल्दी जल्दी से कर लेना है क्योंकि केक के बैटर को ज़्यादा देर रेस्ट नहीं देते। एक प्याली मैदा सेम इसी कप की मेजरमेंट से ले लिया मैंने यहाँ पर। इस ये रेसिपी थोड़ी आइस केक से डिफरेंट होती है, इजी होती है, इसको बनाना थोड़ा इजी होता है, आइस केक मतलब थोड़ा टिपिकल होता है। 1 चाय का चम्मच सिंपल बेकिंग पाउडर जो कि किसी भी कंपनी का अच्छा सा ले लें, बेकिंग पाउडर यूज़ कर लें वही है। 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर, 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं तो इसमें से हमें मैदा जो है वो अलग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कहा कि ये बहुत ईजी और सिंपल सा केक होता है। मिक्स करके इसको यहाँ पे छान के एक बड़ा सा बॉल ले लें बड़े से सरफेस का ताकि जब हम इसको मिक्स कर लें तो हमें इजी रहे। इसको मैं छान लेती हूँ यहाँ पर। ये देखें ये जो होते हैं ना ये क्रिम्बल जो होते हैं ये केक में नहीं होने चाहिए, ये हमारे केक को ना कच्चा रख देते हैं, तो बस इसको अलग करना होता है। वैसे मैंने मैदे को 2 बार छान के ही यहाँ पे रखा था और अगेन मैंने छान लिया। चलिए इसको सबको साइड इकट्ठे कर लेते हैं और अब जो मेरा ये मिक्सचर रेडी हुआ है सारा का सारा मैं अपने इस केक के जो मैदे का मैंने यहाँ पे छान के रखा इसमें ऐड कर देती हूँ क्योंकि इसमें जो है ऑयल है तो इसलिए गुठली बनने का डर नहीं है, तो आसानी के साथ ये यहाँ पे मैं स्पैचुला से इसको मिक्स कर लूँगी। चलें ये ले लिया मैंने सारा, मेक श्योर कर लूँगी ताकि कोई भी गुठली ना रहे और मैदा अच्छी तरीके से यहाँ केक के बैटर में मिक्स हो जाए। ये मेक श्योर मैंने कर लिया अच्छी तरीके से बैटर मिक्स हो चुका है। देखिए कंसिस्टेंसी चेक करें बैटर कितनी परफेक्ट कितनी ज़बरदस्त है। केक मोल्ड मैंने रेडी करके रख लिया, सिंपल बटर पेपर लगा के इसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट कर दिया था। अब मैं इसमें पूरा बैटर जो है इसको ऐड कर दूंगी। कर लें 2-3 हो गया। पतीले को आधे घंटा पहले जब मैंने केक की तैयारी करनी शुरू की थी उसी वक्त मैंने इसको प्रीहीट होने रख दिया था, तो ये गर्म हो चुका होगा, फुल हीट में प्रीहीट करने रखा करें ताकि अच्छे से हीट जो है वो बन जाए। बेशक केक डाल के फिर हम उसको स्लो कर लेते हैं। केक को मैंने रख दिया, अब मैं इसको यहाँ पे कवर करके रहने देती हूँ केक को बेक होने मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए फ्लेम जो इसका फुल है ना मैं इसको मीडियम पे कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए केक परफेक्ट से जो है बेक हो चुका है। मैंने यहाँ पे वुडन स्टिक ले ली है, इसको डाल के चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल क्लीन स्टिक हमारी बाहर आई है। अभी केक को करते हैं ठंडा, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे और पेस्ट्री बनाएंगे। क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम्स बटर लिए हैं।
ये देखें, ये मैंने लिया है बटर, और मैंने कौन सा बटर लिया है मैं आपको अभी चेक करा देती हूं। ये वाला बटर लिया है, ये 200 ग्राम का होता है, तो मैंने ये दो पैकेट लिया है। अगर आपके एरिया में ये डेयरी वाले के शॉप में मिल जाता है, मतलब जहाँ दूध वगैरह मिलता है, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, सुपर मार्केट में अवेलेबल है, तो आप नॉर्मल जो बटर होता है अनसॉल्टेड, आप वो ले लें 200 का या 400 ग्राम का पैकेट ले लें। मैं आपको 400 ग्राम की यहाँ मेजरमेंट बता रही हूँ, बाउल में ले लूँगी। बटर की कंसिस्टेंसी, बटर क्रीम की तो ऐसी होनी चाहिए। देखिए मैं फिंगर लगा रही हूँ ना, तो इसमें लाइट सा डेंट पड़ रहा है, तो ये डेंट पड़ना चाहिए, ये देखें। और मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर लिया, नहीं तो ये हार्ट रहेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो जल सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि ये थोड़ा सा, मतलब रूम टेम्परेचर में बिल्कुल नहीं, तो फिर तो इसमें मेल्ट ही हो जाना है, तो ये बस फ्री रहे। तो चलिए फिर सबसे पहले प्रोसेस है कि अभी मैं बटर को बीट करूँगी, और मैं बटर को इतना फुला लूँगी कि बटर बहुत ज़्यादा फूलना चाहिए। देखें बटर अच्छी तरीके से फूल चुका है, ये मैंने दो ऐड किया था, ऐसा लग रहा है कि ये मैंने तीन ऐड किया है। अभी यहाँ पे मैंने ले लिया है पाउडर शुगर एक प्याली, 400 ग्राम बटर में जाएगी एक प्याली पाउडर शुगर, मतलब के 200 ग्राम शुगर। ये मैंने क्या किया कि नॉर्मल चीनी को लेके मैंने बस ग्राइंड किया, उसके बाद मैंने चीनी को अच्छी तरीके से छान लिया। ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, अगर आप कैस्टर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोसेस ज़रूर घर में करना है कि चीनी को छान के ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ आधी चाय का चम्मच वनीला एसेंस। ये चीज़ें ऐड हो गई, अभी इसको हल्का सा मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, नहीं तो जैसे मैंने बीटर ऑन करना है ना, सारा पाउडर उड़ के मेरे मुंह पे ही लग जाना है। तो मैंने इसको मिक्स कर देना है यहाँ पर। अब इस स्टेज में एक बेकरी वाली कमर्शियल ट्रिक आपसे शेयर करनी है। एक चाय का चम्मच लेना है नॉर्मल कुकिंग ऑयल, जी हाँ सिंपल कुकिंग ऑयल ये ऐड कर दें, इससे क्रीम में एक ज़बरदस्त सी चमक आएगी। और साथ ही एक चाय का चम्मच सादा पानी, बस ये दो चीज़ ऐड करके इसको अगेन बीट करना है। हमारी परफेक्ट सी बटर क्रीम तैयार हो चुकी है, अभी इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में, और यहाँ पे जब तक तैयारी करते हैं हम मज़ेदार सी अपनी बटर पेस्ट्रीज बनाने की। केक ठंडा हो चुका है, इसको निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट हमारा केक जो है वो बेक हुआ है ग्राइंड जग में, बिल्कुल बन नहीं हुआ, और कितना ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल झक्कास केक यहाँ पे तैयार हो गया है। इसको जो है निकालते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पे रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे काम जो है थोड़ा क्रिएटिविटी वाला होगा। केक ले लिया सिंपल, मैं इस यानी ये जितना बड़ा केक मैंने बनाया है, अब मैं इसकी जो पेस्ट्री है, तो आइसिंग केक में पहले हम पेस्ट्री को शेप देते हैं। तो चलिए जी मैं यहाँ पे जैसे जैसे करते जा रही हूँ आपको, केक को बिल्कुल लेवल करना है। ये देखिए मैं एकदम इसको लेवल कर ले रही हूँ यहाँ पर, जो इसका पेट निकला है ना उसको जो है हम इस तरीके से कट करके हटा देते हैं, और ये बचा के रखने से कोई भी डिजर्ट बनाए या बच्चों को ऐसे कट करके देना, बड़ी खुशी से वो खा लेते हैं। देखिए जी लेवल हो गया केक, यहाँ पर रेडी करके रखी हुई थी आपके साथ, उसको मैंने एक बॉल में डाल के फ्रिज में इतना देर रख दिया था, देर में केक भी सेटल हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसमें जो है कोको पाउडर एक खाने के चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कोको पाउडर। क्वांटिटी कुछ नहीं, अगर क्रीम बच भी जाए तो नो इशू, इसको हम फ्रिज में इजीली रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पे मैं इसका जो सेंटर का पार्ट है उसमें जो है ये बटर क्रीम से अच्छी तरह इसको फिलअप कर दें। हमें जो है सिर्फ साइटों पे बटर क्रीम लगानी है, ऊपर नहीं लगानी है, और ऊपर क्यों नहीं लगानी है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। इस तरीके से अच्छे से बटर क्रीम लगा दें। यह है नारियल का बुरादा, इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर, बस थोड़ा सा ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, और इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से ताकि खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर भी आ जाए और ब्राउन सा फ्लेवर भी आ जाए। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेस्ट्री रेडी की हुई है, इस पर इसको अच्छे से मेक श्योर कर ले ताकि ये लग जाए लाइक दिस। क्या करना है, अब मैंने इसकी पेस्ट्री कट कर ली है, बहुत आराम आराम से इसको कट कर, वन अलग नहीं करना है, इसी में रहने देना है, और इसी तरीके से इसकी पेस्ट्री जो है कट कर देनी है। ये देखिए हो गई कट पेस्ट्रीज, अलग नहीं करना है। अब यहाँ पे
मैंने बटर क्रीम जो है वाइटी वाली ले ली थी, यहाँ पे कोन में रख ली थी, इससे जो है इसको बाउंड्री करनी है पेस्ट्रीज को। फ्रिज में सेट होने जब तक मैं इसकी आइसिंग रेडी करूंगी। दो खाने का चम्मच ले रही हूँ पाउडर शुगर, सिंपल रेगुलर शुगर को मैंने जो है ग्राइंड किया और उसके बाद इसको दो से तीन बार अच्छी तरीके से मैंने छान लिया कि ये पाउडर बन गया। ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, छानिएगा ज़रूर, बिना छाने ऐड नहीं कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन दो चाय के चम्मच के करीब कोको पाउडर। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अब यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन रखा है और बस हल्का सा, देखिए फ्लेम से मैंने इसको उठाया हुआ है, हल्का सा बस इसको मुझे गुनगुना सा बस करना है ताकि मेरी उंगली इसको बर्दाश्त करे। ज़्यादा अगर हमने इसको गर्म कर दिया ना तो मक्खन जो है वो पिघल जाएगा, तो इसीलिए हमें बस थोड़ा सा इसको हल्का सा गुनगुना करना है, क्योंकि ये गुनगुना होगा तो ये पेस्ट्री पे सेटल होगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ, एक दफ़ा ज़्यादा नहीं डालिएगा नहीं तो ये गिर सकता है। देखें इस तरीके से जैसे मैं इसको सेटल कर लूँ, थोड़ा थोड़ा सा लाइट लाइट से, बस इस तरीके से। थोड़ी क्रिएटिविटी वाला ये काम होता है जो कि बेकरी वाले बना बना के स्पट हो जाते हैं, वो झट से कर लेते हैं, तो बस क्रिएटिविटी से हमें इसको सेटल करना है। अगर आपसे नहीं सेटल हो रहा है, आप एक एक पेस्ट्री बना के इसको पहले फ्रिज में सेटल कर लें, देन दूसरी बनाएं। देखिए मैंने सेटल कर लिया, टाइम वेस्ट किए बिना मैं इसको जल्दी से रखूंगी फ्रिज में। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।